इस वीडियो में आप जानेंगे अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या आपने अभी 12th के एग्जाम दिए हैं और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको ये नहीं पता कैसे स्टार्ट करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां कहां से उसके सोर्स होंगे। सेकंड थिंग, आप ये जानेंगे कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन को 10 लेवल्स में डिवाइड करना है, वो मैंने अपने लेवल से डिवाइड किए हैं। दूसरी चीज, उनको किस किस फेज में, यानी आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से उसमें डिवाइड किया है। ये वीडियो आपकी डिसीजन मेकिंग वीडियो और लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है, क्योंकि जैसा आप डिसीजन लेंगे वैसे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी बिना स्किप किए पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो 12th के बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका ग्रेजुएशन कैसे करना है आपको। तो ग्रेजुएशन का चुनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपके माइंड सेट दो तरह के होने चाहिए। पहला, अगर आपका माइंड सेट ऐसा है कि आपको केवल यूपीएससी दिखाई देता है, यूपीएससी के अलावा आपको कुछ करना नहीं है, या अगर आप जॉब करेंगे तो यूपीएससी से रिलेटेड करेंगे, तो आपको ग्रेजुएशन कौन सा करना है। सेकंड चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यूपीएससी तो करूंगा उसके साथ में इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, या इधर हुआ बीए बीएससी, इन सब मैं ट्राई करना चाहता हूं, तो उसके लिए, तो ये दो तरह के माइंडसेट हो सकते हैं, उनमें से आपका कोई भी एक माइंडसेट हो सकता है। तो पहली बात, अगर आपका माइंडसेट केवल ओनली फॉर यूपीएससी है तो आपको ऐसे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहिए जो आपके लिए सिंपल हो और दूसरी चीज यूपीएससी में हेल्प करे। तो देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा आप बीए कर लें। बीए या तो आप प्राइवेट कर सकते हैं या रेगुलर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को चुनना है आपको जो आपके यूपीएससी में हेल्प कर सकेंगे, क्योंकि यूपीएससी में आपके 18 से 20 सब्जेक्ट करीब होते हैं, उनमें किसी न किसी में हेल्प मिल पाए आपको। आपको आर्ट से करना बेटर रहेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में लेने वाले हैं आर्ट साइड से, वो आपके ऑप्शन में हेल्प करे तो और बढ़िया बात है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका माइंड सेट ओनली फॉर यूपीएससी है तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स का, ऐसे ग्रेजुएशन का चुनाव करना है जो आपके लिए यूपीएससी में प्रॉफिटेबल हो। इस चीज़ को आप खुद समझिए और सोचिए। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अदर फील्ड में भी चांसेस लेना चाहता हूँ, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, डिफेंस हुआ, ये सारी चीज़ हुई, मतलब आपको एनडी वगैरह के एग्जाम देना है, इधर उधर के एग्जाम देने होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम देने, इधर उधर के एग्जाम देने, जो आपको क्या करना है, तो देखिए उसके लिए आपको उस फील्ड में जाके, जैसे आपको बीटेक करनी है उससे आप इंजीनियर बनेंगे, तो उस फील्ड में जाके आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिकल में जाना है तो मेडिकल के साथ में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बीए बीएससी करनी है तो उसके साथ में प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन समय 12th के बाद ही होता है। इनसे बढ़िया प्रिपरेशन पूरी यूपीएससी में शायद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास 3 साल का टाइम होता है। ये आपके पास 3 साल का टाइम है, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी देख रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेटर वीडियो होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा देखें। तो देखिए, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है उसको मैंने 10 लेवल्स में डिवाइड किया है। आपको 10 स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसकी पूरी प्रिपरेशन शुरू से लेकर एंड तक करने के लिए। तो जिसको मैंने 0 लेवल दिया, जिसको लेवल 1 कह सकते हैं आप, उसको दिया मैंने व्हाट इज यूपीएससी, मतलब उसका सिलेबस क्या है, उसके पीवीसी क्वेश्चन पेपर क्या है, आपको राइट हैंड में दिख रहा होगा। तो आपको सिलेबस और पीवीसी ये क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना, उनको याद करना, उसके बाद आप 0 लेवल को क्रॉस करेंगे। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चुनना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, डायनेमिक सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स कौन से कैसे पढ़नी है, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, प्रीलिम्स मेंस, इन 10 टॉपिक्स के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। अब आपको बता दूं, वो तो स्टेप्स थे, अब उन स्टेप्स को आपको लेना कैसे है, उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया है। तो देखिए, आपको इसमें 6 फेज दिखाई दे रहे होंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 और फेज 6। तो आपको जितने ये मंथ दिखाई दे रहे हैं आप उनको भूल जाइए, ये मैंने अदर किसी पर्पस के लिए बनाया था, ये बनाया था 2021 के लिए। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने मंथ दिखाई दे रहे हैं आपको, जितने भी मंथ दिखाई देंगे उनको आप भूल जाइए। अब आपको कैसे उसको डील करना है कि बताता रहूंगा मैं। तो आपको अपने 3 साल को ऐसे 6 फेज में डिवाइड कर लेना है। तो 3 साल 6 फेज में डिवाइड करना है, तो आपका 1 फेज 6 मंथ का होगा। तो आपका जो पहला फेज होगा वो 6 मंथ का होगा, वो आपको बता चुका हूँ। ये आपको मंथ दिखाई दे रहे हैं, इन सबको आपको ध्यान में नहीं देना। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 15 से 20 दिन या 1 महीना, आप चाहें तो 1 महीना इस चीज़ में लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस एक एक वर्ड रटा होना चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कब आया था, कैसे आया था। आपको एनसीईआरटी उठानी है, आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो नंबर 6 को देख सकते हैं। इस वीडियो को बाद में आपको बताऊंगा कि स्टेप्स कैसे होंगे, मैं अपनी एक यूपीसी सीरीज पूरी बना चुका हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन कराई है। तो एनसीईआरटी के बारे में बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स आपको तैयार करनी है। अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लाइटली पढ़ सकते हैं उसको, हल्का हल्का पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है। तो फेज 1 आपका 6 मंथ का होगा,
अगर आप चाहें तो आपको 8 मंथ का भी कर सकते हैं इस फेज को, वो आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी कवर कर पा रहे हैं एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक। अब बात करते हैं फेज टू के बारे में, उसको मैंने 8 मंथ का डिवाइड करने के लिए बोला था। अब उसके बाद में आपके 4 मंथ आप इस चीज़ में दीजिए, आपको अब ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लेना है। ऑप्शनल कैसे चूज करना है उसके लिए वीडियो नंबर 21 आने वाली है। आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है, अब आपके एनसीईआरटी खत्म हो गई, स्टैंडर्ड खत्म हो गई, आंसर राइटिंग यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, आंसर और ऐसे राइटिंग दोनों। अब यहाँ से डायनेमिक सब्जेक्ट आपको उठाने हैं, डायनेमिक सब्जेक्ट आपके करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड रहेंगे, तो आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहने हैं। तो डायनेमिक सब्जेक्ट के आपके 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ से उठा लेने हैं। तो ये आगे का 6 मंथ का जो टाइम टेबल है वो ये बता रहा हूँ, अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर इस चीज़ को भूल जाइए। तो फेज टू आपका 6 मंथ का रहेगा, इसमें आपको डायनेमिक सब्जेक्ट 6 कवर करने पड़ेंगे। कौन से डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं इसके ऊपर वीडियो नंबर 8 बना चुका हूँ मैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ यूपीएससी सीरीज की पार्ट 1 से स्टार्ट करना और पार्ट 18 तक पूरा खत्म कर देना, क्योंकि ये वीडियो पार्ट 19 है। आपके जितने भी डाउट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेरी होंगे, सब सॉल्व हो जाएंगे, बस इस यूपीएससी सीरीज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखते रहें और उसकी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हों सबको नोट डाउन करते रहें। अब बात करते हैं थर्ड फेज के बारे में, तो इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कंटिन्यू रखना है, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरे 1 साल पढ़ना है, पहले 6 महीने फिर बाद का 6 महीना, उसके बाद में आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग आप इसमें हल्का हल्का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पिछले 6 महीने से अच्छे आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अब आपको जो डायनेमिक सब्जेक्ट हैं 7 डायनेमिक सब्जेक्ट और उठाने, क्योंकि डायनेमिक सब्जेक्ट मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ 13 होते हैं, 13 से 14। अब आपको करंट अफेयर्स यहाँ से स्टार्ट कर देना, मॉक टेस्ट अभी आपको इस टाइम पर ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में होंगे, अगर आप चाहते हैं तो मॉक टेस्ट दे दीजिए, आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगी, वरना फेज 3 में मॉक टेस्ट मत दीजिए जब आप 12th के स्टूडेंट हैं। तो ये टाइम टेबल उन स्टूडेंट्स के लिए था जो 21 में एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था आपको इसी चीज़ से समझा दूं। अब बात करते हैं फेज 4 के बारे में, ये आपका ग्रेजुएशन सेकंड ईयर का लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, जो लास्ट का 6 मंथ होगा वो होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपके सब्जेक्ट्स रह गए होंगे, आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट रह जाते हैं, जैसे आपको लगता है मैं इस चीज़ को बाद में पढ़ूंगा, तो वो या स्मॉल टॉपिक हम वो कर लीजिए। करंट अफेयर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया डीपली पढ़ना, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए उसको पढ़ना, मॉक टेस्ट कर दीजिए और हिंदी इंग्लिश। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी तक मैंने आपको हिंदी इंग्लिश के बारे में नहीं बताया था, हिंदी और इंग्लिश ये आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, आप हिंदी की जगह और भी कोई अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ले सकते हैं, 24 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, वो यूपीएससी के सिलेबस में आपको डिफाइन कौन कौन से चूज करेंगे आप। अब इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है, तो इनकी प्रिपरेशन भी आपको इसमें स्टार्ट कर देनी है। अब आप फेज 5 में आ गए, तो आपको एक चीज़ क्लियर करा दूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने 4 फेज तक स्टार्टिंग के 4 फेज में आपने 2 साल के टाइम टेबल में अपना पूरा यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपका फिर भी रह जाता है तो आप जब ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आएंगे तो उस टाइम पर आप अपने स्टार्टिंग के दो तीन मंथ में उसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप प्रीलिम्स जो फेज होगा उस पर जाना है आपको, उसके लिए आपको सीसेट की तैयारी करनी है, जीएस आपको पढ़ना है जो प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड रहेगा, मॉक टेस्ट आपको यहाँ से देना स्टार्ट करना, ये आपका सीरियस वाला है, आप पहले वाले में छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप दोनों में दीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पहले वाले को छोड़ दूँ तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर सेल्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, सेल्फ प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए, प्रीलिम्स के फोकस के लिए और मेंस के लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी पूरा 1 साल और बचा है। अभी आपका लास्ट फेज रहेगा, ये रहेगा आपका ग्रेजुएशन 3rd ईयर का लास्ट के 6 मंथ, यानी कह सकते हो जनवरी से लेकर जून तक का टाइम। इसमें आपको क्या करना है, जीएस का रिवीजन करना है, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। आपको दिख रहा होगा ये लास्ट फेज मेंस का फेज है, लेकिन आप इसको हटा दीजिए, इस चीज को आप इतना फोकस रखिए दिमाग पे, जो आपके जनवरी से लेकर जून तक आपके 6 मंथ है, तो स्टार्टिंग जो 3 मंथ होंगे उसमें आप मेंस का दोबारा से रिवीजन करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च आप इसमें मेंस का अच्छे से रिवीजन करेंगे, आंसर राइटिंग थोड़ी थोड़ी करेंगे, जीएस की रिवीजन करते रहेंगे, ऑप्शन को चूज करने के बाद ऑप्शन की पढ़ाई करते रहेंगे, हिंदी इंग्लिश ऐसे अगर छूट गया होगा तो वो पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आपको जनवरी से लेकर मार्च तक जो आपकी ग्रेजुएशन 3rd ईयर होगी उसमें आपको लास्ट फेज को पढ़ना है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आप मार्च आ गई है, अब मार्च का दिन आपके पास बचा है, अब आपके पास बचा अप्रैल और मई, ये आपके 2 मंथ बचेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, दोबारा से लग जाना है जीएस के लिए, सीसेट आप पहले कर चुके हैं तो जीएस सीसेट छोड़ दीजिए, जीएस पे एकदम फोकस्ड हो जाना है, मॉक टेस्ट दोबारा से देने हैं या आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, अगर आपकी पहले अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी तो सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आपने मार्च के बाद में अप्रैल और मई, क्योंकि जून में तो एग्जाम होता है इसका, तो अप्रैल और मई 2 मंथ बचेंगे, उसमें केवल प्रीलिम्स पढ़ना है, ओनली प्रीलिम्स, मेंस के लिए ध्यान नहीं देना है। अब मेंस के लिए कब पढ़ेंगे,
जैसे ही आपका जून होगा तो जून के स्टार्टिंग में आपका वो हो जाएगा एग्जाम प्रीलिम्स का, उसके बाद में आपको मेंस पे दोबारा फोकस कर देना है, जीएस का लिए रिवीजन करना है, ऑप्शनल रिवीजन करना है और आपका आंसर राइटिंग करना है, मॉक टेस्ट चाहे तो दे सकते हैं इस पे, वरना नहीं हिंदी इंग्लिश ऐसे पढ़ लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सारे फेज बताए हैं, कैसे कैसे टाइम डिवाइड करना वो बताया है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि आप जो फेज है उनको आप 6-6 मंथ का डिवाइड कर लीजिए, उस पर जो मंथ लेके उनको आप फोकस मत रखिए, उन पर दिमाग मत रखिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके लिए बता दिया टाइम, स्टैंडर्ड के लिए बता दिया और ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए बता दिया, आंसर राइटिंग के लिए बता दिया, डायनामिक सब्जेक्ट के लिए बता, ग्रैंड टेक अफेयर और मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स मेंस, ये पूरे 10 लेवल्स मैंने इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप डिवाइड किए हैं। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि सर आपने पूरा रोड मैप बता दिया किस तरीके से हमको जाना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है, लेकिन आप पढ़ेंगे कहाँ से, हम कैसे इस चीज़ को जानेंगे कि अगर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, सिलेबस को एनालाइज कैसे करना है और अदर जो चीज़ होती हैं वो सारी हम कैसे पढ़ेंगे। सारी चीज़ मैंने अपनी यूपीएससी सीरीज पार्ट 1 से लेकर 18 तक बता चुके हैं। अब आप बोलेंगे कि सर मैं प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करूं, रोड में पता पड़ गया मुझे, फेज पता पड़ गया, तो सबसे पहले देखिए मैंने सबसे पार्ट 1 बनाया था यूपीएससी सीरीज का, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं यूपीएससी सीरीज को आप देखिए 1 से लेकर 18 तक सारे पार्ट देखिए, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा पूरी सीरीज देखने के बाद में। पार्ट 1 था स्ट्रक्चर के लिए, पार्ट 2, 3, 4 वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितना भी सिलेबस है उसका वर्ड बाई वर्ड एनालाइज किया और बताया कैसा किसका रेलिवेंट है। उसके बाद हम पार्ट 5 पे आते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देना है। यहाँ पे पार्ट 6 एनसीईआरटी के लिए कि आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, पुरानी पढ़नी, डीपली पढ़नी है, लाइटली पढ़नी है और स्टार्ट कैसे करना है। पार्ट 7 में स्टैंडर्ड बुक के बारे में और पार्ट 8 में आप सोच रहे होंगे डायनेमिक सब्जेक्ट कौन से होते हैं, पार्ट 8 बताएगा आपको डायनेमिक सब्जेक्ट कौन से होते हैं, पार्ट 9 बताएगा जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाने तो आपका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, यूपीएससी एस्पिरेंट का माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, पार्ट 10 बताएगा आपको पूरा रोड मैप। इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं, जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये सारी वो उसमें डिफाइंड की हुई है अच्छी तरह से, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, इससे बेटर वे में उसमें बताया है मैंने। पार्ट 11 वो है कि आप एनसीईआरटी को कैसे 8 से 10 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। पार्ट 6 बताया था कि कैसे स्टार्ट करें, पार्ट 11 बताया कि कैसे उसको 10 से 8 घंटे में खत्म करें, पार्ट 12 में नोट्स कैसे बनाने, पार्ट 13 में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, पार्ट 14 में न्यूज़ पेपर को कैसे पढ़ना है, पार्ट 15 में बताया था कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी है आपको जो आपके लिए बेटर हो, कौन से ऐप्स यूज़ करने हैं और कौन से यूट्यूब चैनल, पार्ट 16 में करंट अफेयर्स को आपको कैसे कवर करना है, पार्ट 17 में 27 यूट्यूब चैनल बताए थे जिनकी हेल्प लेके आप यूपीएससी के प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, और पार्ट 18 में उनके लिए था जो वो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट है तो उनके लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और पार्ट 9 चली रहा है जिसको आप करंटली देख रहे हैं। इसके बाद वन बाई वन सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, 1 से लेकर 20 तक वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं यानी बिगिनिंग कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है, तो 1 से लेकर 20 का कोई पार्ट देख लीजिए, सारे पार्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे का मेरा विजन ये है कि 21 से लेकर 50 तक उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, बीच में चल रहे हैं यानी इंटरमीडिएट लेवल पर चल रहे हैं, तो उनके लिए 20 से 50 के बीच में जितनी वीडियो आएंगी वो उनके लिए होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ चैनल पर कनेक्टेड रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए। अब उसके बाद मेरा विजन ये है वीडियो नंबर 50 से लेकर 100 तक वो एडवांस लेवल की वीडियो होंगे, आपने आपको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, कैसे अटेंड करना है यूपीएससी का एग्जाम, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस किस चीज़ को करके आप यूपीएससी को बूस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कम से कम 20 से 30 या 50 वीडियो मिल सकती हैं जो आपको सारी चीज़ें आपकी सारी बारीकियाँ बताएंगी, जिसमें 50 से लेकर 100 तक मेरा गोल है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट हमेशा ये रहती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेरा भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, जय हिंद।